हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज हमारी ट्रिप का डे 3 और आपका स्वागत है हमारे एपिसोड नंबर 3 में। गाइस, हमने भी गाइड हायर किया है क्योंकि हमें आगे जगह का पता नहीं है, तो ये हमें गाइड करेंगे कैसे कैसे, मतलब किस किस जगह पे कैसे जाना है। आपका नाम क्या भैया? भरत राणा। नाम है पूरे विश्व का जो कहते हैं मेन आश्रम है वो बना हुआ माउंट आबू के अंदर, मतलब जो संस्था बनी थी ब्रह्मा कुमारी वहीं से उसकी स्टार्टिंग हुई थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है? अच्छा, वो वाला वो मतलब उस चीज से वो करवाता है, ब्रह्म ज्ञान है। ये लोग सर बोलते हैं कि शिव और जो शंकर है वो अलग अलग है, दिख रहे हैं राजस्थानी ड्रेस है, मतलब ड्रेस को ड्रेस पहन कर दो तुम्हारा दोनों भाई लोग हमारी बोलते हैं ड्रेस में ये अंडे देख ले राजा महाराज पारुल तो कर ही रहे हैं उसके लिए। लेकिन प्रॉपर देखा सर, ये बैरिकेड लगाओ ना, अपने राइट लेना आपने। अच्छा, वहाँ से जाने का पॉइंट। अच्छा, यहाँ से शाम को वो आएंगे, वहाँ से घूम के तब देखेंगे। पर कहने का मतलब सर, शाम को कुछ भी फिक्स नहीं है, मौसम का कह नहीं सकते। वो तो बादल है, वो समझ गया, नीचे डूबता हुआ दिखे नहीं दिखे, कुछ गारंटी नहीं है। बना हुआ ये है ओम शांति भवन, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का मीन आश्रम है। ठीक है, बाहर देखो आपको दिख रहे हैं जो पिल्लर बने हुए हैं, अपने नहीं कुछ बड़ा बंगला बनाते हैं, इसमें एक सपोर्ट के लिए आता है सेंटर में पिल्लर, तो इसमें क्या है सेंटर में पिल्लर नहीं है। ये हॉल बना हुआ बिना पिल्लर, मतलब विदाउट पिल्लर। ठीक है, हॉल में मंदिर साथ में आएंगे, फिर मंदिर बोलते हैं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सतयुग कलयुग का ज्ञान सुनाएंगे। ठीक है, अपने यहाँ ज़्यादा ज्ञान नहीं सुना, अपने खाली हॉल देकर 10 मिनट में आपको वापस आएंगे। अगर ज्ञान सुनने बैठ गए तो इंसान से भगवान बन के बाहर आएंगे। ठीक है, बैठ गए। गाइस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको सिर्फ यहाँ तक ही दिखा पाएंगे, बाकी वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अपनी दुनिया का माइंड वॉश कर दिया कर दिया ना, नाम ले लेगा व्हाइट वाला छोटा सा वो मंदिर है, वहाँ जाना पड़ता है। आप लोग वहाँ पर जाओगे ऐसे जय माता दो बंदे से तीन बंदे चढ़ने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, से आ चुके हैं हम लोग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर, ये माउंट आबू में ही। यहाँ पर गोल्डन फिशेस भी हैं, अंदर सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगी। अभी अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। श्री सोमनाथ मंदिर, जय हो महादेव, जय हो हर हर शंभु। Thank you.
साउंड आ जाएगी आगे ना सर, मेरी बात सुनो। ये आपको दिख रहा है मंदिर, ये अपने सोमनाथ महादेव मंदिर। भारत में कितने 12 ज्योतिर्लिंग है, जो सोमनाथ है वो है गुजरात में, ठीक है। ये जो मंदिर है साउथ में आते हैं शिव जी के मंदिर, दक्षिणी भारत में वैसा पूरा शिव जी का मंदिर बना हुआ है। चार आपको दिख रहे शिवलिंग, चार जो नहीं आती दिशा है, चार दिशाओं के चार शिवलिंग है। इसमें जो बीच में शिवलिंग है, जो बहुत सारे फूल है, जमीन में से जो बदन कुदरती होता है प्रकट, जिसको बोलते हैं स्वयंभू, वो बीच वाला शिवलिंग स्वयंभू यहीं पर ही कुदरती प्रकट हुआ है, ठीक है। बाकी सारा टेम्पल में स्थापित है। इस टेम्पल में क्या है, दो खासियत है। टेम्पल में देखो दिख रही सारी जो मूर्तियां सारी है काले रंग की, दिख रही है आपको सारी काली। दूसरा बोलते हैं आप शिव जी के किसी भी बड़े से बड़े मंदिर में चले जाओ, वहाँ पर आपको शिव जी ही मिलेंगे। हर जगह क्या है, शिव जी का पूरा परिवार नहीं होता, यहाँ पर क्या है, शिव जी का पूरा परिवार है। शिव जी है, नंदी है, गणेश भगवान है, कार्तिक भगवान है, पार्वती माता है, और ऊपर शिव और सती है। तो परिवार के साथ में दर्शन करो, फिर मैं आपको पेंटिंग बता दूँ साउथ की। दर्शन करो आप सोमनाथ मंदिर शिवलिंग की पेंटिंग देखिए, इसको भी अगर आप गोल गोल किसी भी दिशा से देखेंगे तो ये इसकी जला नदी आपको अपनी तरफ दिखेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी गोल गोल घूम रहा हूँ, ये मेरे को मेरी तरफ ही दिख रही है। और ये साउथ के एक मशहूर पेंटर ने बनाई है, उनका नाम जेके रमेश है। मैंने सोचा पत्थर पे नंदी बना हुआ है, इसमें क्या नंदी का जो बोलते हैं ना शरीर है वो मत देखना, नंदी का नहीं चेहरा, वो देखकर आपको घूमना है, चेहरा आपको हर जगह दिखेगा उसका चेहरा। फ्रेंड्स देखिए, ये मंदिर की सीलिंग के ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, अगर आप इसे गोल गोल 360 व्यू से देखेंगे तो ये सेम ही दिखेगी, मतलब आपको ऐसा दिखेगा कि पेंटिंग आपको एकदम सीधी दिख रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी 360 व्यू दे रहा हूँ इसका आपको, ये बिल्कुल मेरे साथ साथ घूम रही है एकदम। गाइस सही में सिर्फ हमारे साथ। एंड फ्रेंड्स, ये साउथ के एक आर्टिस्ट ने बनाई थी, उनका नाम जीके रमेश है। और ये कीजिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन। फ्रेंड्स ये रेयर है, ऐसी मूर्तियां और ऐसी पेंटिंग सिर्फ इसी मंदिर में देखने को मिलती है। बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। अभी आपको लेके चलते हैं दूसरी पेंटिंग की तरफ, ये देखिए गाइज, ये भगवान सूर्य नारायण की पेंटिंग है। इसमें जो सारथी है और ये घोड़े हैं, ये आप किसी भी दिशा से देखो ये आपको अपनी तरफ आते हुए दिखेंगे। ये एक सबसे बढ़िया आकर्षण की चीज़ है इस मंदिर की, आप पूरा गोल गोल घूमो तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप सीधा ही देख रहे हो इसको। यहाँ पर पता है एक और चीज़ है, जैसे आप लोग शिवलिंग में जाते हो तो शिवलिंग की जो होती है जला खरी जहाँ से जल निकल होता है वो हमेशा होता है उत्तर दिशा, यहाँ पर आपको पता है दक्षिण दिशा में, इसलिए जी। अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं और ये है नटराज की मूर्ति, और यहाँ पे आपको शिवलिंग के 8 रूप देखने को मिलेंगे और उनके नाम आप देख सकते हैं ऊपर वीडियो पॉज करके, जैसे कि पृथ्वीलिंग, जल लिंग, अग्निलिंग, वायुलिंग, आकाशलिंग, सूर्यलिंग, सोमलिंग, आत्मलिंग, और बाकी जो मेन शिवलिंग है वो अंदर पीछे आपको दिखाया था मंदिर में।
चलिए चलते हैं अब आगे। अभी हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है। जब जाते हैं चाइना जाता तिब्बत बॉर्डर पे, ठीक है, बॉक्सिंग आपको दिख रही है भगवान। हिंदू धर्म में जो बोलते हैं दिशाएं हैं वो आती टोटल आठ, बॉक्स में आठ दिशाओं के आठ भगवान ही है। अब कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से भगवान है वो देख लो आप, ठीक है। फिर ये विद्या गणेश भगवान, वेद व्यास और ये भगवान शंकराचार्य, ठीक है। सबको उतार लो फिर चलते हैं वो मछलियाँ। गाइस बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हर एक चीज लिंक है, मतलब आप इस दिशा से देखोगे तो भगवान, मतलब आपको हर एक दिशा से सीधे दिखेंगे भगवान। बहुत सुंदर मंदिर है गाइस। चलिए अब चलते बाहर की तरफ। गाइस ये संत सरोवर का रास्ता है, भर गया छोटा डाल छोटा छोटा बिल्कुल। गाइस ये आटा है और अभी मछलियों को खिलाते हैं। सारी मछली ऑरेंज कलर की यहाँ पे। सब इधर ही आ जाएंगे अभी देखना, जितनी भी यहाँ गिरो यहाँ गिरो नहीं कितनी सुंदर लग रही है। तुरंत मम्मी चला जाता है, बहुत सारी हैं। गाइस अभी सब मछलियों को आटा डाल रहे हैं। बहुत सारी हैं गाइस, बहुत सारी मछलियां हैं। गाइस ये दोनों फोटो खींच रही हैं अभी और मैंने मछलियों को आटा डाल दिया और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। गाइस अभी हम मंदिर में दर्शन करके जा रहे हैं मंदिर से बाहर, और वो दोनों अभी भी नहीं आई और मम्मी भी उनके वेट के लिए रुक गई। काफी अच्छा वेदर हो गया गाइस, बहुत ठंडी हवा चल रही है, गर्मी में सर्दी का मजा।